बीते दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस के पति राज कुंद्रा को एडल्ट मूवीज बनाने के इल्जाम में मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया। अब राज कुंद्रा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, मगर लगता है कि राज को अपने ऊपर आने वाले खतरे की भनक पहले ही लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा था। जी हाँ, हाल ही में क्राइम ब्रांच के हाथ राज की व्हाट्सएप चैट लगी, जिसमें उनके प्लान बी का खुलासा भी हो गया। दरअसल जब जांच के दौरान इस मामले में गिरफ्तार हुए कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश कामत के मोबाइल की जांच की गई, तो उसमें से कई ऐसे चैट्स मिले हैं जो कुंद्रा के प्लान बी का खुलासा करते हैं। क्राइम ब्रांच के हाथ लगे व्हाट्सएप चैट के मुताबिक एच अकाउंट्स नाम के ग्रुप में प्रदीप बख्शी ने जब ये जानकारी डाली कि हॉटशॉट ऐप को गूगल ने सस्पेंड कर दिया है, तभी कुंद्रा ने रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, प्लान बी शुरू हो गया है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हफ्तों में नया एप्लीकेशन लाइव होगा। दरअसल इस प्लान बी का नाम बोली फेम है। ये प्लान राज कुंद्रा ने बनाया था ताकि वो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा में आगे ले जा सके। इसी बीच कामत और राज कुंद्रा का एक और चैट सामने आया, जिसमें राज कुंद्रा ने कामत को एक न्यूज आर्टिकल भेजा। इस आर्टिकल में लिखा था, एडल्ट वीडियो 7 OTT पर प्रसारित करने के मामले में पुलिस 7 OTT के मालिकों को समन भेज सकती है। कुंद्रा, बहुत बढ़िया हुआ कि हमने बॉली फेम की तैयारी की। कामत ने कहा कि हम ऑफिस आकर बात करते हैं, हमें तब तक के लिए सारे बोल्ड कंटेंट निकाल देने चाहिए। वहीं रिप्लाई में कुंद्रा बोले कि मुझे शक है कि वो लोग ऑल्ट बालाजी के कंटेंट निकालेंगे। इसके बाद कामत ने लिखा, ये इतना गंभीर नहीं है, वो लोग सिर्फ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को निकालने के लिए कहेंगे। उमेश कामत आगे राज कुंद्रा को बताते हैं कि अभी के लिए फिल्मों से हर दिन रेवेन्यू मुश्किल से 15 से 20 हजार है। इस पर राज कुंद्रा आगे कहते हैं कि आने वाला भविष्य लाइव कंटेंट का है, क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। राज उमेश से कहते हैं कि पुराने कंटेंट को जल्दी से बेच दो ताकि 50 लाख रुपए की भरपाई हो जाए। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक कुंद्रा एडल्ट की शूटिंग रोककर मॉडल और अभिनेत्रियों से लाइव स्ट्रीमिंग करवाने की तैयारी कर रहे थे और ये लाइव स्ट्रीमिंग बोरी फेम पर करने वाले थे। बता दें कि कई मॉडल्स अब आगे आकर राज कुंद्रा का पर्दा भी फाश कर रही हैं। मॉडल्स सागरिका, सोना, सुमन ने शिल्पा शेट्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भी इस कारोबार में शामिल है। सागरिका ने बताया कि उमेश कामत ने उनसे व्हाट्सएप वीडियो पर न्यूड ऑडिशन मांगा था। उमेश के साथ वीडियो कॉल पर राज कुंद्रा भी थे। सागरिका ने बताया कि दोनों ने उनसे काफी वल्गर तरीके से बात की थी। वहीं यूट्यूबर पुनीत कौर ने भी कहा कि राज कुंद्रा ने उन्हें भी हॉट शॉट्स के ऐप वीडियो में काम करने के लिए मैसेज किया था। उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर लिखा कि ये आदमी सच में लोगों को फंसा रहा था, लोगों को काम का लालच दे रहा था। जब इसने मुझे DM भेजा तो पहले मुझे लगा कि ये एक स्पैम है, हे भगवान ये आदमी जेल में ही सड़े। बता दें कि राज कुंद्रा के खिलाफ सबूत मिलने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इस बात से शिल्पा शेट्टी को काफी बड़ा झटका लगा है, इसीलिए उन्होंने रियलिटी शो सुपर डांसर 4 की शूटिंग कैंसिल कर दी है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।